हेलो इप्सा के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ शिक्षण कौशल क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। शिक्षण कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षिका पाठ की लिखित एवं मौखिक योजना बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं, सैंपट का प्रयोग करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न संकेतों तथा संवेगों भाव भंगिमा द्वारा पाठ की व्याख्या करते हैं। शिक्षण कौशल पाठ को रोचक बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं को मदद करता है। शिक्षण कौशल में पहला है उद्देश्य लेखन कौशल। इसमें सबसे पहले पाठ का उद्देश्य को लिख लिया जाता है और ये पूर्व अभ्यास होता है पाठ का। नवीन पाठ का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उद्देश्य को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतःक्रिया छात्रों के साथ की जाती है। शिक्षण कौशलों का उचित रूप से प्रयोग करके अधिगम की प्राप्ति की जाती है। ये कक्षा में जाने के पूर्व ही शिक्षक शिक्षिका इसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर है प्रस्तावना कौशल। छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है। छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ इससे खींचा जाता है और छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। प्रस्तावना कौशल से छात्रों को अभिप्रेरित करने में मदद मिलती है। अब अगला है हमारा प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल। प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल से छात्रों की रुचि का तथा योग्यता का पता लगता है। यह पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाता है, छात्रों के तर्क शक्ति का विकास होता है तथा कक्षा अनुशासन को बनाए रखने में ये मदद करती है। इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। तो शिक्षक को प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में भी दक्ष होना चाहिए। फिर अगला है सैंपट कौशल। सैंपट कौशल भी शिक्षक के लिए बहुत प्रमुख चीज है। सैंपट के द्वारा दृश्य एवं श्रव्य का एक साथ अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी बहुत लाभदायक है, लेकिन सैंपट का प्रयोग सही ढंग से करना और उसका कौशल ज्ञात करना ये शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सैंपट उचित स्थान पर लगाया जाना चाहिए, उस पर सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। सैंपट पर लिखी गई चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि पीछे के बच्चे भी उसको अच्छी तरह से पढ़ पाए और कक्षा के अनुसार सैंपट पर कार्य होना चाहिए। छोटे कक्षा के लिए अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, थोड़ा बड़े कक्षा के लिए अक्षरों को छोटा करके भी लिख सकते हैं। फिर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके द्वारा हम लोग शिक्षक कार्य को करके दिखाते हैं और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। इसमें विभिन्न भाव भंगिमा का प्रयोग किया जाता है, कभी आश्चर्य का, कभी प्रश्न चिन्ह का, और ये पाठ को बहुत रोचक बना देता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावशाली होता है और बच्चे इसके आकर्षित भी होते हैं। फिर है पुनर्बलन व्यवहार में पुनर्बलन कौशल। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन कौशल बहुत उपयोगी है। इसमें शिक्षक शिक्षिका प्रश्न पूछने पर या क्लासवर्क करने पे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं, उन्हें मुस्कुराकर उनका सम्मान करते हैं और अपेक्षित उन्नति नहीं करने पे उन्हें मानसिक दंड या थोड़ा शारीरिक दंड देते हैं। तो ये छात्रों की क्रियाओं को की संस्तुति के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। पाठ में जब खोजपूर्ण ये पाठ्य वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों के तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास करने के लिए तथा अत्यधिक सूचना संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें छात्र सहभागिता बढ़ती है। जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, बच्चा भूल गया, वो जवाब नहीं दे पाया,
फिर हम पूछते हैं पटना से कौन नदी बहती है या गोलघर कहाँ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो अगर हम वहाँ नहीं रुकते हैं, पुनः प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारे साथ सहभागी होता है और किसी न किसी प्रश्न का जवाब देता है और वो पाठ में रुचि रखता है। फिर है दृष्टांत कौशल। अधिगम कौशल का इसका उद्देश्य होता है अधिगम कौशल का विकास और अधिगम को सरल बनाना। हम दैनिक घटनाओं से बच्चों को उपमा देकर, दृष्टांत देकर हम पाठ को रोचक बनाते हैं और बच्चे जो हैं वो पाठ में रुचि लेते हैं। फिर है छात्र सहयोग शिक्षण कौशल। इसमें छात्र सहयोग शिक्षण कौशल में कक्षा का आकार, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, छात्र सहभागिता को ये बढ़ाती है, क्योंकि सभी छात्र तभी इंटरेस्ट ले पाते हैं जबकि छात्र का कक्षा का आकार छोटा हो, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। और इसमें सभी छात्रों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार किया जाता है और कक्षा कक्ष के प्रबंधन में भी ये उपयोगी होता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा और आप इसे अपनी कक्षाओं में यूज करेंगे। हेलो, इप्सा के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ शिक्षण कौशल क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। शिक्षण कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षिका पाठ की लिखित एवं मौखिक योजना बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं, सैंपल का प्रयोग करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न संकेतों तथा संवेगों भाव भंगिमा द्वारा पाठ की व्याख्या करते हैं। शिक्षण कौशल पाठ को रोचक बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं को मदद करता है। शिक्षण कौशल में पहला है उद्देश्य लेखन कौशल। इसमें सबसे पहले पाठ का उद्देश्य को लिख लिया जाता है और ये पूर्व अभ्यास होता है पाठ का। नवीन पाठ का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उद्देश्य को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतःक्रिया छात्रों के साथ की जाती है। शिक्षण कौशलों का उचित रूप से प्रयोग करके अधिगम की प्राप्ति की जाती है। ये कक्षा में जाने के पूर्व ही शिक्षक शिक्षिका इसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर है प्रस्तावना कौशल। छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है। छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ इससे खींचा जाता है और छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। प्रस्तावना कौशल से छात्रों को अभिप्रेरित करने में मदद मिलती है। अब अगला है हमारा प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल। प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल से छात्रों की रुचि का तथा योग्यता का पता लगता है। यह पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाता है, छात्रों के तर्क शक्ति का विकास होता है तथा कक्षा अनुशासन को बनाए रखने में ये मदद करती है। इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। तो शिक्षक को प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में भी दक्ष होना चाहिए। फिर अगला है सैंपट कौशल। सैंपट कौशल भी भी शिक्षक के लिए बहुत प्रमुख चीज़ है। सैंपट के द्वारा दृश्य एवं श्रव्य का एक साथ अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी बहुत लाभदायक है, लेकिन सैंपट का प्रयोग सही ढंग से करना और उसका कौशल ज्ञात करना ये शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सैंपट उचित स्थान पर लगाया जाना चाहिए, उस पर सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। सैंपट पर लिखी गई चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि पीछे के बच्चे भी उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएँ और कक्षा के अनुसार सैंपट पे कार्य होना चाहिए। छोटे कक्षा के लिए अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, थोड़ा बड़े कक्षा के लिए अक्षरों को छोटा करके भी लिख सकते हैं। फिर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके द्वारा हम लोग शिक्षक कार्य को करके दिखाते हैं
और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। इसमें विभिन्न भाव भंगिमा का प्रयोग किया जाता है, कभी आश्चर्य का, कभी प्रश्न चिन्ह का, और ये पाठ को बहुत रोचक बना देता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावशाली होता है और बच्चे इसके आकर्षित भी होते हैं। फिर है पुनर्बलन व्यवहार में, पुनर्बलन कौशल। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन कौशल बहुत उपयोगी है। इसमें शिक्षक शिक्षिका प्रश्न पूछने पर या क्लास वर्क करने पे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं, उन्हें मुस्कुराकर उनका सम्मान करते हैं, और अपेक्षित उन्नति नहीं करने पे उन्हें मानसिक दंड या थोड़ा शारीरिक दंड देते हैं। तो ये छात्रों की क्रियाओं को की संस्तुति के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। पाठ में जब खोजपूर्ण ये पाठ्य वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों के तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास करने के लिए तथा अत्यधिक सूचना संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें छात्र सहभागिता बढ़ती है। जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, बच्चा भूल गया, वो जवाब नहीं दे पाया। फिर हम पूछते हैं, पटना से कौन नदी बहती है या गोलघर कहाँ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो, अगर हम वहाँ नहीं रुकते हैं, पुनः प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारे साथ सहभागी होता है और किसी न किसी प्रश्न का जवाब देता है और वो पाठ में रुचि रख रहा है। फिर है दृष्टांत कौशल। अधिगम कौशल का इसका उद्देश्य होता है अधिगम कौशल का विकास और अधिगम को सरल बनाना। हम दैनिक घटनाओं से बच्चों को उपमा देकर, दृष्टांत देकर हम पाठ को रोचक बनाते हैं और बच्चे जो हैं वो पाठ में रुचि लेते हैं। फिर है छात्र सहयोग शिक्षण कौशल। इसमें छात्र सहयोग शिक्षण कौशल में कक्षा का आकार, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, छात्र सहभागिता को ये बढ़ाती है, क्योंकि सभी छात्र तभी इंटरेस्ट ले पाते हैं जबकि छात्र का कक्षा का आकार छोटा हो, उनकी बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। और इसमें सभी छात्रों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार किया जाता है और कक्षा कक्ष के प्रबंधन में भी ये उपयोगी होता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा और आप इसे अपनी कक्षाओं में यूज करेंगे। हेलो, इप्सा के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ शिक्षण कौशल क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। शिक्षण कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षिका पाठ की लिखित एवं मौखिक योजना बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं, सैंपल का प्रयोग करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न संकेतों तथा संवेगों भाव भंगिमा द्वारा पाठ की व्याख्या करते हैं। शिक्षण कौशल पाठ को रोचक बनाने में शिक्षक शिक्षिकाओं को मदद करता है। शिक्षण कौशल में पहला है उद्देश्य लेखन कौशल। इसमें सबसे पहले पाठ का उद्देश्य को लिख लिया जाता है और ये पूर्व अभ्यास होता है पाठ का। नवीन पाठ का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उद्देश्यों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतःक्रिया छात्रों के साथ की जाती है। शिक्षण कौशलों का उचित रूप से प्रयोग करके अधिगम की प्राप्ति की जाती है। ये कक्षा में जाने के पूर्व ही शिक्षक शिक्षिका इसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर है प्रस्तावना कौशल। छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है। छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ इससे खींचा जाता है और छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। प्रस्तावना कौशल से छात्रों को अभिप्रेरित करने में मदद मिलती है। अब अगला है हमारा प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल। प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल से छात्रों की रुचि का तथा योग्यता का पता लगता है।
यह पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाता है, छात्रों के तर्क शक्ति का विकास होता है तथा कक्षा अनुशासन को बनाए रखने में ये मदद करती है। इससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। तो शिक्षक को प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में भी दक्ष होना चाहिए। फिर अगला है सैंपट कौशल। सैंपट कौशल भी छात्र छात्र भी शिक्षक के लिए बहुत प्रमुख चीज़ है। सैंपट के द्वारा दृश्य एवं श्रव्य का एक साथ अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी बहुत लाभदायक है, लेकिन सैंपट का प्रयोग सही ढंग से करना और उसका कौशल ज्ञात करना ये शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सैंपट उचित स्थान पर लगाया जाना चाहिए, उस पर सही ढंग से लिखा जाना चाहिए। सैंपट पर लिखी गई चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि पीछे के बच्चे भी उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएँ और कक्षा के अनुसार सैंपट पे कार्य होना चाहिए। छोटे कक्षा के लिए अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, थोड़ा बड़े कक्षा के लिए अक्षरों को छोटा करके भी लिख सकते हैं। फिर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके द्वारा हम लोग शिक्षक कार्य को करके दिखाते हैं और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। इसमें विभिन्न भाव भंगिमा का प्रयोग किया जाता है, कभी आश्चर्य का, कभी प्रश्न चिन्ह का, और ये पाठ को बहुत रोचक बना देता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावशाली होता है और बच्चे इसके आकर्षित भी होते हैं। फिर है पुनर्बलन व्यवहार में पुनर्बलन कौशल। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन कौशल बहुत उपयोगी है। इसमें शिक्षक शिक्षिका प्रश्न पूछने पर या क्लास वर्क करने पे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें पुरस्कार देते हैं, उन्हें मुस्कुराकर उनका सम्मान करते हैं और अपेक्षित उन्नति नहीं करने पे उन्हें मानसिक दंड या थोड़ा शारीरिक दंड देते हैं। तो ये छात्रों की क्रियाओं को की संस्तुति के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। पाठ में जब खोजपूर्ण ये पाठ्य वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों के तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास करने के लिए तथा अत्यधिक सूचना संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें छात्र सहभागिता बढ़ती है। जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, बच्चा भूल गया, वो जवाब नहीं दे पाया। फिर हम पूछते हैं, पटना से कौन नदी बहती है या गोलघर कहाँ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो अगर हम वहाँ नहीं रुकते हैं, पुनः प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारे साथ सहभागी होता है और किसी न किसी प्रश्न का जवाब देता है और वो पाठ में रुचि रखता है। फिर है दृष्टांत कौशल। अधिगम कौशल का इसका उद्देश्य होता है अधिगम कौशल का विकास और अधिगम को सरल बनाना। हम दैनिक घटनाओं से बच्चों को उपमा देकर, दृष्टांत देकर हम पाठ को रोचक बनाते हैं और बच्चे जो हैं वो पाठ में रुचि लेते हैं। फिर है छात्र सहयोग शिक्षण कौशल। इसमें छात्र सहयोग शिक्षण कौशल में कक्षा का आकार, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, छात्र सहभागिता को ये बढ़ाती है। क्योंकि सभी छात्र तभी इंटरेस्ट ले पाते हैं जबकि छात्र का कक्षा का आकार छोटा हो, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी हो और इसमें सभी छात्रों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार किया जाता है और कक्षा कक्ष के प्रबंधन में भी ये उपयोगी होता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा और आप इसे अपनी कक्षाओं में